जल्दी करो अमृता, म्यूजियम 5 बजे बंद हो जाता है। आज तो हम हड़प्पा वालों से मिले बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। आखिर ये लोग कौन रहे होंगे ठीक से पता नहीं, फिर भी शायद हमारे जैसे अमरूद या देवता या राजा या कोई कलाकृति या बच्चों के खिलौने। क्या पता सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। आओ हम चलें सिंधु के पहले शहरों का सफर करें। बोलो रामनाथन महाराज की जय। सिंधु? कौन सिंधु? ये सिंधु भला कौन है? सिंधु भला कौन है? सिंधु, ये वही सिंधु सभ्यता, 5000 साल पहले की वो सिंधु सभ्यता है, सबको पता। वे शहर थे। शहर क्या होता है क्या तुमको नहीं पता? हाँ मुझको है पता। शहर यानी भीड़ भाड़, शहर यानी छेड़छाड़, शहर यानी चहल पहल, शहर यानी पक्के घर। हाँ हाँ, शहर यानी चहल पहल, शहर यानी पक्के घर, शहर यानी अमीरी, शहर यानी गरीबी, शहर यानी व्यापार, शहर यानी अरे बोल सरकार। शहर है हाट बाजार, शहर है पानीदार, शहर है नालीदार, शहर है रिश्तेदार, शहर है रोजगार, शहर है उद्योगदार, शहर है नए विचार, शहर मन के आर पार। रुको, उस वक्त भी क्या ऐसे शहर थे सरकार? हाँ ऐसे ही नहीं और भी अच्छे, जमीन में वो दबे हुए हैं बचे खुचे, गहराई में जाने पर वो और भी मिलेंगे, मालूम होना चाहिए वो कहाँ मिलेंगे। डॉक्टर राव, आपका कहना है कि शहर यहाँ पर था। एक्चुअली कह सकते हैं कहाँ से कहाँ तक था, अंदाज़। आप समुद्र की लहरों में सफेद धारियां बनाते हुए चले जा रहे हो, वो आप किनारे देख रहे हैं ना, और आपके साथी कहने लगे यहीं इसी जगह जहां हम हैं, यहां से लेकर उस किनारे तक करीबन 4 किलोमीटर, यहीं थी सड़कें, यहीं थे मकान, यहां से वहां तक। तो आपको कैसा लगेगा? स्ट्रीट्स थे, वो छोटे छोटे मकान थे और बड़े बड़े एक दीवार भी था। मुझे बड़ा अद्भुत लगा, मजा भी आया जब डॉक्टर एसआर राव ने हड़प्पा के एक डूबे हुए शहर का यूं परिचय दिया। ऐसे करने से हाँ क्या होता है, वहाँ ये लिफ्ट है ना। जो शहर डूब गया उसका एक छोटा सा हिस्सा बेट द्वारका के द्वीप पर
और मकान पानी के बाहर रह गया है। जैसे हम कह सकते हैं तो यहाँ एक शहर था। ये देखिए यहाँ ये शंकर। जैसे ही हम किनारे उतरे ये तो हमको हड़प्पा सभ्यता की कई छोटी मोटी निशानियां मिलने लगी। सा मार्क्स हैं, जैसे काट के इसे चूड़ियां बनाने के बाद बचा हुआ शंका हिस्सा, छेदों वाले मिट्टी के बर्तन जो हड़प्पा सभ्यता में अक्सर मिलते हैं। सन 1850-60 के बीच जब सिंधु घाटी में हड़प्पा के खंडहर मिले तब वहां भी ऐसे अवशेष पाए गए जैसे आज के बेट द्वारका में। उस वक्त पुरातत्व शास्त्री इनके बारे में कुछ खास अंदाजा नहीं लगा पाए क्योंकि तब तक मिले अवशेषों से इन चीजों का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज भी कितने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये चीजें सिंधु सभ्यता से संबंधित है। आखिर इस विश्वास का कारण क्या है? कारण है खोज और खोज। हड़प्पा मिलने के बाद से लेकर आज तक बहुत कुछ हो चुका है। हड़प्पा के 60 साल बाद सिंधु के ही किनारे जब मोहनजोदड़ो मिला तो धीरे धीरे उस सभ्यता के रहस्य खुलते गए और लोग मानने लगे कि ये दोनों शहर भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्राचीन और विकसित सभ्यता के केंद्र थे। इनकी खोज से अपने अतीत के बारे में हमारा नजरिया ही बदल गया क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि अपने उपमहाद्वीप की सभ्यता का इतिहास वैदिक काल से ही शुरू हुआ। सभ्यता से संबंधित करीब 700 शहर कस्बे और गांव मिले हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में हिमालय की घाटियों से लेकर दक्षिण में तापी नदी तक और पूरब में यमुना के किनारे से लेकर पश्चिम में मकरान तट तक फैला हुआ था। कुल मिलाकर करीब 15 लाख वर्ग किलोमीटर। जबकि हमें इसके विस्तार के बारे में इतना कुछ मालूम हो चुका है, इससे सिंधु घाटी की सभ्यता तक सीमित रखना ठीक नहीं है। पुरातत्व शास्त्री आज इसे हड़प्पन सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा के नाम पर। जैसे जैसे नई जगह मिलती जाती हैं, हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाता है तो जाहिर है कि नए नए सवाल भी पैदा हो जाते हैं। हाल ही में गुजरात में ऐसा एक गांव मिला नागवाड़ा। रंजन और अमृता खुदाई के दौरान ही पहुंचे। नागवाड़ा पहुंचकर हमें लगा कि जैसे मोहनजोदड़ो की खुदाई की तस्वीरों में जान आ गई हो। बड़ौदा विश्वविद्यालय के पुरातत्व शास्त्री और कुछ विद्यार्थी वहां खुदाई कर रहे थे। वहीं पर काम करती हुई कुछ औरतों ने बताया कि जैसे बर्तन इस खुदाई में मिल रहे हैं आज भी वो उसी आकार प्रकार के बर्तन इस्तेमाल करती हैं। उसी दिन मेरी नजर मिट्टी के गोल टुकड़ों पर पड़ी, उन पर कुछ निशान थे। डॉक्टर हेगड़े ने बताया कि ये शायद हड़प्पा वालों के उंगलियों के निशान हैं। उन्होंने इसे मुष्टिका नाम दिया है। मुष्टिका रख लूं मैं इसे? मुष्टिका हाथ में लेकर ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी अनजाने हड़प्पन से हाथ मिला रही हूँ। डॉक्टर हेगड़े का अंदाजा है कि धार्मिक विधियों के समय गीली मिट्टी को मुट्ठी में दबाकर
वे अग्निकुंड में डाल दिया करते होंगे। ये म्यूजियम है या किसी गांव का घर, वही तकली, वही चूल्हा, सिलपट्टा, तवा, अनाज के कोठरे, मन के सब कुछ जाना पहचाना, मगर है हजारों साल पुराना। नगवाड़ा का क्या ताल्लुक आप सोचते हैं? Sometime in the distant past, maybe an eminence, which is... मैं जानना चाहता था कि यहाँ के लोग घर कैसे बनाते थे। डॉक्टर हेगड़े ने मुझे बताया कि धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से, और खास बात तो ये पता चली कि इन कच्ची ईंटों का अनुपात भी हड़प्पा वाले पक्की ईंटों जैसा ही है। हड़प्पन पीपल, वैसे पूरी हड़प्पन सभ्यता में ईंटों के आकार तो कई थे, मगर उनका अनुपात हमेशा एक सा होता था। अगर ईंटों की मोटाई एक हो तो चौड़ाई उसकी दूनी यानी दो, और लंबाई उसकी भी दूनी यानी चार होती थी। ये भी हड़प्पा वाले अनुपात की ईंटें। दीवार बनाते समय इनको कई तरह से बिठाया जा सकता था। तो इनको किस तरह से बिठाया जाए ताकि दीवार बोझ सह सके और आसानी से टूट न जाए? आइए देखें इंग्लिश बॉन्ड नाम की रचना इस समस्या को कैसे हल करती है। आज ये सबसे मजबूत रचना मानी जाती है। हड़प्पा वाले ईंटों को कुछ इसी प्रकार बिठाया करते थे। पहली परत में दो दो ईंटों को लंबाई में बिठा लें। ईंटों का अनुपात ऐसा है कि अब हम दूसरी परत में इनको आड़े बिठाते जा सकते हैं, मगर इस परत में पहली और आखिरी ईंट के बगल में चौड़ाई में आधी एक एक ईंट बिठा दें और परत पूरी कर लें। अब इसी तरह ईंटों को एक परत सीधे और एक परत आड़े बिठाकर पूरी दीवार खड़ी कर लें। यह है इंग्लिश बॉन्ड। इस रचना और उसकी मजबूती का आधार है ये हाफ ब्रिक्स। चौड़ाई में आधी ये ईंटें जो हमने आड़ी वाली परतों में बिठाई थी। अब देखिए इस दीवार में ईंटों के जोड़ एक के ऊपर एक नहीं आते। इस तरह छत वगैरह का बोझ पूरी दीवार में बराबर फैल जाता है और दीवार आसानी से टूटती नहीं है। हड़प्पन सभ्यता के मिस्त्री इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझ चुके थे। उस समय की मिस्र और सुमेर जैसी अन्य शहरी सभ्यताओं में भी ईंटों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा था, लेकिन उनकी इमारतें कच्ची ईंटों की थी क्योंकि वहां ईंधन के लिए लकड़ी की कमी थी। ईंट है दीवार की इकाई। दीवारों से बनते हैं घर। घरों का समूह मोहल्ला बन जाता है। मोहल्लों को जोड़ती हैं सड़कें और गलियां, और कई मोहल्ले जुड़कर बन जाता है शहर। बनने को तो शहर यूं ही बन सकता है, लेकिन हड़प्पन सभ्यता के सभी शहर सुनियोजित थे। शहर के समस्याओं जैसे वाहनों और लोगों का यातायात, उद्योगों और बाजार के स्थान का निर्धारण, साफ सफाई का प्रबंध, इन सब बातों का पहले से ही उन्होंने ध्यान रखा था। अब ऐसी परिकल्पना तो विज्ञान से ही संभव है। ईंट से शहर तक आते आते हर चरण पर सभी छोटी बड़ी बातों की एक निश्चित परिकल्पना की जरूरत होती है। हड़प्पा के शहर नियोजन से यह साफ झलकता है। उस वक्त दुनिया भर में ऐसे नियोजित शहर कहीं और नहीं थे। इन शहरों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सिर्फ विज्ञानी नहीं बल्कि सामाजिक सहयोग और चेतना भी उतनी ही जरूरी है, और जरूरी है इसका संचालन करने वाली सरकारी व्यवस्था। क्या यही है शहर? हाँ यही है शहर। हाँ हाँ यही है शहर। हाँ 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 यही है शहर। हाँ, हाँ, यही है शहर।
लोथल आजकल के अहमदाबाद के पास। भारत में अगर हड़प्पा वाला कोई शहर अब तक ठीक ठाक बचा है तो वो यही है। जहां पहले मकान हुआ करते थे अब कुछ दीवारें ही रह गई हैं। लोथल बड़ा तो था ही लेकिन हड़प्पा और कालीबंगन जैसे शहरों से खासा छोटा। हड़प्पा कुछ 85 हेक्टर है तो लोथल है सिर्फ 6-7 हेक्टर। वैसे कुछ ऐसी बातें हैं जो हर जगह पे एक जैसी होती थी, मसलन ईंटों का आकार प्रकार, तौल के वजन और शहर योजना। कई जगहों में एक ऐसा इलाका हुआ करता था जो बाकी हिस्सों से थोड़ा ऊंचा होता था। यहाँ रहते होंगे शहर के अमीर लोग। उनके मकान बड़े और अक्सर 2 मंजिले हुआ करते थे। इसके अलावा ऐसे भी हिस्से थे जहाँ के मकान काफी छोटे थे। ये शायद गरीबों की बस्ती थी। ऊंचा हिस्सा, निचला हिस्सा, अमीर गरीब, आखिर उनके बीच कैसा रिश्ता रहा होगा? क्या पता, उनके बारे में हम कितना कम जान पाए हैं। उनका समाज, उनके ख्यालात, उनका रहन सहन, धर्म, राजनीति। खैर, इस भट्टी में कार्निलियन बनाने के लिए एगेट यानी हकीक को पकाया जाता था। इससे फिर मनके बनते थे। इसी इलाके में मनकों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, तांबे और सूती कपड़े के उद्योग भी रहे होंगे। खुदाई में मिले अवशेषों से लगता है कि यहाँ कुछ व्यापारी और दस्तकार रहते थे। कच्छ में रण के किनारे ये है सुरकोटड़ा, एक छोटी सी हड़प्पन बस्ती। यहाँ ईंट के बजाय पत्थर नजर आता है, पर सुरकोटड़ा भी उतना ही नियोजित था जितना हड़प्पा का कोई भी शहर। इतनी फैली हुई सभ्यता, शहर, गांव, कस्बे, आखिर किस डोरी से बंधे हुए थे ये सब? हर शहर की अपनी एक खासियत थी, जैसे कि यहाँ शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं, शायद दुश्मनों से बचने के लिए। और मोहनजोदड़ो को ही देखें, वहां पूरब से पश्चिम को जाने वाली सड़कें उत्तर से दक्षिण को जाने वाली सड़कों को काटती हैं। इनसे जो चौराहे बने, इनके बीच के प्लॉट में बन गए बहुत से घर। और बनावली में सड़कें एक बिंदु से चारों तरफ निकलती हैं। कैसे कैसे शहर, कितने कितने शहर। सुरकोटड़ा, बनावली, राखी गढ़ी, रहमान डेरी, मोहनजो दाड़ो, लो हमजो दाड़ो, ये शहर, ये शहर, ये शहर, ये शहर, ये शहर, ये शहर, ये शहर। तैमा बात था आबाद, कवेरी वाला, गांव वाला, रंगपुर रंगो कानून, डोलावीरा कैसा घेरा, ये शहर, ये शहर, ये शहर, ये शहर, ये शहर, ये शहर। दीदी 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 रोज दी, जी 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 कोटी जी, आओ आओ री आमरी, गिनो गिनो गिनो, अल्लाह दिनो अल्लाह दिनो, ये शहर। चल 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 चले लोथल, अंगन बंगन काली बंगन, हड़प्पा था हड़प्पा, चुनू मुन्नू चन्नू दाड़ो, चुनू मुन्नू चन्नू दाड़ो, ये शहर, ये शहर, ये शहर, ये शहर, ये शहर, ये शहर, ये शहर।
कैसे थे शहर हमारे ये पहले शहर ये शहर ये शहर ये शहर ये शहर ये शहर ये शहर पूरे शहर में नाले नालियों का जैसे जाल सा है। हाँ, ये भी शहर नियोजन का एक हिस्सा है। घरों से छोटी छोटी नालियां निकलकर गली के नाली में मिल जाती थी और ये नाली आगे बढ़कर बड़े नाले में मिलती थी। सुनो रंजन, इन नालियों से कितना साफ पता चलता है ना कि इनको बनाते समय उन लोगों ने जमीन की ढलान का कैसे ख्याल रखा था। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर कभी कभी ढलान बनाते भी थे। अच्छा, और उन दिनों ये नाले ईंटों से ढके हुआ करते थे, इस तरह खुले नहीं बहते थे। विश्वास नहीं होता कि हजारों साल लोग ऐसी तकनीक को भूल गए। ऐसा क्यों होता होगा? और देखो ये दोनों तरफ खांचे दिखाई देते हैं ना, इतनी अच्छी तकनीक, मगर उसकी देखरेख, नालियों की सफाई, कूड़ा करकट हटाने का इंतजाम, स्वास्थ्य के बारे में कितने जागरूक थे वो लोग, किस तरह की सरकार रही होगी। खिलौने मिले थे, बच्चों के खिलौने जो खेल खेल में नालियों में गिर गए होंगे। खिलौने अनोखे थे, पुराने अनजाने, मिट्टी से बनाते थे हर चीज वो दीवाने। खिलौने अनोखे थे, पुराने अनजाने, मिट्टी से बनाते थे हर चीज वो दीवाने। मन के हो या मूर्ति, चूड़ी हो या बाली, तंदूर हो या चूल्हा, बर्तन हो या थाली, पक्की ईंटों के बने मकान थे शहर, मिट्टी की कला की वो शान थे शहर। पक्की ईंटों के बने मकान थे शहर, मिट्टी की कला की वो शान थे शहर, शान थे शहर, शान थे शहर। लोथल की सबसे बड़ी खासियत है यह जगह। ये क्या चीज रही होगी इसके बारे में कई राय हैं, पर इसकी खुदाई करने वाले ये मानते हैं कि ये उस समय की दुनिया का एक बड़ा गोदी गोदाम था। करीबन 400 मीटर लंबी, 30 मीटर चौड़ी इस गोदी में शायद 25-30 नावें एक साथ ठहरा करती थी। ये नावें एक नहर के जरिए भोगावो नदी तक पहुंचा करती होंगी, जहां पश्चिम एशिया के माल से लदे हुए समुद्री जहाज आकर रुकते थे। गोदी के एक तरफ खांचे बने हुए हैं जिनमें लकड़ी का फाटक लगाया गया होगा, उसको ऊपर नीचे करके पानी का स्तर बराबर रखा जा सकता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार बहुत फैला हुआ था, इसमें लोथल का काफी महत्व रहा होगा। नजदीक ही एक बड़ा गोदाम हुआ करता था, व्यापारी बाहर जाने वाले माल को यही रखा करते होंगे, मन के अनाज, शायद सूती कपड़ों के थान भी। कैसा रहा होगा जब यह शहर आबाद था, जब लोग आते थे सुमेर से लौटकर, भाग दौड़, हल्ला गुल्ला, छीना झपटी, यार दोस्ती। ये कभी लोथल का गोदाम हुआ करता था। एक दिन इसमें आग लग गई और सारा गोदाम जल गया। खुदाई में भी वो जला हुआ ही मिला। किसी ने इसकी मरम्मत क्यों नहीं की थी? क्या व्यापार गिर रहा था इसीलिए उन्होंने गोदाम छोड़ दिया था? क्या लोग शहर छोड़कर चले गए थे? क्या वे दुखी थे, दबे कुचले थे? क्या हो रहा था उस समय इन शहरों में? ऐसे बड़े बड़े शहरों का निर्माण और इतने दूर दूर तक फैले हुए उद्योग धंधे और व्यापार को चलाने के लिए लिखित दस्तावेज तो रहे ही होंगे, लेकिन जो नष्ट हो गए, हम तक नहीं पहुंचे, हमें जो मिल पाए हैं वो है मोहरों और कुछ बर्तनों पर बने हुए चिन्ह।
इतिहासकार इन्हें समझने की बहुत वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। इतना तो पता चला है कि ये चिन्ह चित्रलिपि के नहीं हैं और इन्हें दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। अमृता, कितनी हैरानी की बात है, ये लोग कितना कुछ छोड़ गए हैं, लेकिन हर चीज में जैसे कोई राज छिपा हो। हाँ, बस एक बार लिपि का राज खुल जाए तो हम कितना कुछ जान पाएंगे उनके बारे में, अपने बारे में। लिपि नहीं, लेकिन मोहरों के जानवर तो साफ पहचाने जाते हैं। मोहरों पर जानवरों के अलावा कुछ ऐसे भी प्रतीक मिले हैं जो आज भी प्रचलित हैं, जैसे कि पीपल के पत्ते, स्वस्तिक चिन्ह और योग मुद्रा में बैठी एक मानव आकृति, जिसकी तुलना इतिहासकारों ने शिव के साथ की है। ये भी मालूम हो चुका है कि इन मोहरों से व्यापारी अपने माल पर ठप्पा लगाते थे। लिपि समझने के बाद हम शायद बता पाए कि व्यापारी का नाम क्या था, सामान क्या था, कहाँ जा रहा था, कहाँ से आया था, या किसी देवता से सामान की सलामती के लिए प्रार्थना की गई हो, या शायद सामान जिस देश से गुजर रहा हो उसकी सरकार का संरक्षण चाहा गया हो, यानी उनकी औद्योगिक व्यवस्था के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनकी सरकार के बारे में थोड़ा बहुत तो हम जान ही जाएंगे। लिपि को समझने के बाद भी हमारी जानकारी इतनी नहीं हो पाएगी कि हमें इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसके लिए तो हमें उनकी रोजमर्रा की चीजों पर और उस समय की सुमेर और मिस्र जैसी दूसरी सभ्यताओं की तुलना पर ही निर्भर रहना होगा। सुमेर और मिस्र की तरह हड़प्पा भी नदी तट की सभ्यता रही होगी, एक ऐसी सभ्यता जो सालाना बाढ़ के भरोसे थी। इस बाढ़ के वक्त उपजाऊ मिट्टी नदी के किनारों पर फैल जाती रही होगी। उनका फसल पैदा करने का सिलसिला भी इसी के मुताबिक था। ज्यादातर फसलें रबी की हुआ करती थी, बरसात की बाढ़ उतर जाने के बाद बोते और बसंत में काट लेते। वैसे भी कुछ खरीफ की फसलें भी बोया करते थे, लेकिन तरह तरह के उनके फसलें और पैदावार को देखकर ये लगता है कि वे सिर्फ सालाना बाढ़ के भरोसे नहीं रहे होंगे। हड़प्पा वाली बहुत सी दूसरी जगह जो अब मिल रही है नदी के किनारे नहीं है, यानी उन्होंने कुएं खोदे होंगे, नहरें बनाई होगी ताकि बाढ़ का पानी उनमें जा सके। और अब तो खोजकर्ताओं को कुछ ऐसी जगह मिली है जैसे कराची के पास अल्लादीनो, जहाँ पर कूप नलिकाएं सिंचाई के काम में उपयोग में लाई जाती थी। हड़प्पा वाली सभी जगहों के सबूत यही कहते हैं कि उनका खाना पीना हमारे लिए कोई नया नहीं। वे पैदा करते थे गेहूं, जवार, शायद बाजरा, तिल, मटर और कपास भी। फल भी तो थे ढेर सारे, जैसे बेर, अनार, अंगूर, खजूर, केले और तरबूज। खेती के लिए वो लोग किस तरह के औजारों का इस्तेमाल करते रहे होंगे? ज्यादातर लकड़ी, रस्सी, बांस, टोकरी आदि रहे होंगे, ऐसी चीजें जो जमीन के नीचे सलामत नहीं रह पाई। लेकिन बची रही मिट्टी की चीजें। ये है वो खिलौना हल जो बनावली में मिला। इससे हमें कुछ अंदाजा मिलता है उनके औजारों के बारे में। सातवें दशक में कालीबंगन में खुदाई के दौरान जब ये खेत मिला, तब उस पर 4000 साल पुरानी जुताई के निशान वैसे के वैसे मौजूद थे। आज भी सिंध और राजस्थान में उसी तरह आड़ी सीधी जुताई की जाती है। इसीलिए पुरातत्व शास्त्री समझ सके कि उनको जुताई के ही निशान मिले हैं। इस आड़ी सीधी जुताई में एक दिशा की धारियां पास पास होती थी और दूसरी दिशा में ज्यादा जगह छोड़कर हल चलाया जाता था। नजदीक वाली धारियों में वे छोटी फसल बोते थे और दूर वाली धारियों की फसल लंबी होती थी। इस तरह लंबी फसल की छाया छोटी फसल पर नहीं पड़ती और दोनों को बराबर धूप मिलती रहती। यानी दिन भर में छाया कैसे कैसे पड़ती है, इस बात को ध्यान में रखकर
हड़प्पा वालों ने जुताई का खास तरीका अपनाया था। शहनाज, कितना सुंदर है ये, अनाज रखते होंगे ना? ये देखो किसान और बैलों की जोड़ी। और कितने तरह के बर्तन हैं? तांबे के औजार बनाते थे ना वो लोग, लेकिन उस वक्त क्या उनके पास उतना तांबा था कि हर एक के पास ऐसे औजार हो? क्या इसे पहचानती हो? हाँ, इसे कौन नहीं पहचानता। ये थी मोहनजोदड़ो की नर्तकी, जिसे हम सब बचपन से जानते हैं। ये सुंदर तो है ही, मगर इस बात का भी सबूत है कि इस समय तक हड़प्पा वाले कांसा बनाना सीख चुके थे। कांसा एक मिश्र धातु है। तांबे को सख्त बनाने के लिए इसमें सीसा, टिन या आर्सेनिक मिलाते हैं। तांबे का इस्तेमाल पाषाण युग के आखिरी दौर में भारतीय उपमहाद्वीप में भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन हड़प्पा वालों ने पहली बार यहाँ कांसे का इस्तेमाल किया। वैसे इससे भी बहुत पहले पश्चिम एशिया के देशों में तांबे कांसे का इस्तेमाल आम तौर पर होने लगा था। भारत में तांबे की खदानें कहाँ थी? रामनाथन इसी खोज में निकले थे। हड़प्पा वालों की कांसे की चीजों की जांच से यह पता चला है कि वे अपना ज्यादातर तांबा अरावली पहाड़ियों से लाते थे, जैसे कि यह भंडा, जहां आज भी तांबे का अयस्क मिलता है। आज हमने बहुत कम तांबे वाले अयस्क से तांबा निकालना सीख लिया है, लेकिन हड़प्पा वाले तो तांबा उसी ऊंचे दर्जे के अयस्क से निकाल पाते थे जिसमें काफी तांबा होता था। इस इलाके में बहुत से ऐसे गड्ढे पाए जाते हैं जो कि पुराने खदाने हैं, जहां से हजारों साल पहले तांबा निकाला जाता था। और यह है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी राजस्थान में। तांबे को खदानों में से निकालने और उसको शुद्ध करने की देश की सबसे बड़ी इकाई। हमारे पास थे पत्थर, लकड़ी और मिट्टी। धातुओं की पहचान के बाद सब कुछ बदल गया होगा। धातुओं को बेहतर तरीके से मोड़ा जोड़ा जा सकता था, गर्म करके ठोक पीट कर मनचाहा रूप दिया जा सकता था, पिघला कर कई आकारों में ढाला जा सकता था। लेकिन अयस्क तो पत्थर होता है, किसी को कैसे पता चला होगा कि पत्थर से धातु पाई जा सकती है? कहीं इसके पीछे कुम्हार की कला तो नहीं? आग के जरिए चीजों का रूप बदल डालने की और भी पुरानी तकनीक। शहनाज़,
शुरू शुरू में कुम्हार बर्तन बनाने और लेप लगाकर उन्हें चमकाने सजाने के लिए तरह तरह की मिट्टी आजमाते रहे होंगे। इसी दौरान मिट्टी में अयस्क मिल गया होगा। हो सकता है कभी पकने के दौरान भट्टी में तापमान, दबाव और ऑक्सीजन सही अनुपात में मिल गए हो और अयस्क से धातु बन गई हो। पहली बार तो संयोग से ही ऐसा हुआ होगा, लेकिन कोई भी उद्योग संयोग की बुनियाद पर खड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए ऐसी तकनीक जरूरी है जो समझा जा सके और बार बार इस्तेमाल किया जा सके। तांबे कांसे से संबंधित तकनीकों के अलावा हड़प्पा वाले और भी कई तकनीकों के जानकार थे, जैसे कि सूती कपड़ा, मनके, नावे बनाना। हाँ, और शंखों से चूड़ियां बनाने का उद्योग। कच्छ की खाड़ी में समुद्र तट पर नागेश्वर में ऐसी चूड़ियां निर्माण की हर अवस्था में मिली है। अभी हमने जो दस्तकारी के बारे में बात की, ये सभी स्थानीय उद्योग थे। इन उद्योगों में लगने वाला कच्चा माल सिर्फ कुछ खास जगहों में ही मिलता था। कभी कभी तो हजारों किलोमीटर दूर से कच्चा माल लाना पड़ता था। ऐसे कीमती माल से हुआ उत्पादन ज्यादातर विदेशों में भेजा जाता था, खाड़ी के देशों से लेकर सुमेर तक। इतने बड़े और फैले हुए उद्योग के संचालन के लिए नाप, तौल, दर का निर्धारण और हिसाब का प्रामाणिक होना बहुत जरूरी है। हमें तरह तरह के तौल के वजन मिले हैं, छोटे छोटे वजन से लेकर बड़े से बड़े तक। ये सभी वजन हड़प्पा के हर इलाके में एक से हैं। ये वजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इसी तरह दुगने होते चले जाते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ईसा पूर्व लगभग 3000 से ईसा पूर्व 1700 तक का समय हड़प्पन सभ्यता का सबसे समृद्धशाली समय रहा है। उस समय उपमहाद्वीप में और भी आबादियां थी जो तकनीकी तौर पर हड़प्पा वालों की तरह विकसित नहीं थी, लेकिन इनके बीच व्यापार तो जरूर हो रहा था। वरना कश्मीर की बुर्जाहोम में हड़प्पन इलाके के बर्तन और मनके कैसे पहुंच गए और लोथल में मिले सोने का कैसे स्पष्टीकरण होगा, जबकि इस इलाके में सोना मिलता ही नहीं। कितनी तरह के मोती मनके और रंग भी कितने, लाल, पीले, नीले, बैंगनी, मिट्टी, पत्थर, तांबा, सोना, हर चीज के। लंबे सफर के बाद मैं खंबात पहुंची। ये छोटा सा कस्बा गुजरात में समुद्र के किनारे बसा है। यहाँ एगेट के मनके बनते हैं। भट्टी में एगेट पकाकर लाल कार्निलियन बनाया जाता है। एक मोहल्ले में घर घर के लोग इसी उद्योग में लगे थे। कोई पत्थर तोड़ रहा था, कोई सुराख कर रहा था, तो कोई पॉलिश। पत्थर के कवच को हिरण की सींग की हथौड़ी से तोड़ा जाता है। वो इसलिए कि हथौड़ियां इतनी सख्त नहीं होती कि अंदर के पत्थर को कोई नुकसान पहुंचे। सुराख करने के लिए धनुष ड्रिल इस्तेमाल करते हैं। क्या हड़प्पा वालों के भी मनके बनाने की यही तकनीक थी? कितना बनाते हैं? एगेट का उद्योग तो एक मिसाल है आज और हड़प्पा सभ्यता के बीच के संबंधों की। आज भी कितने ही उद्योगों का सिलसिला हड़प्पा से ही शुरू हुआ होगा, किसे पता। सुमेर और खाड़ी के देशों में हड़प्पन एगेट के मनके मिले हैं। आज की तरह उस समय भी विदेशों में बहुत लोकप्रिय थे।
सुमेर तक का सफर तो हड़प्पा वाले नाव में ही करते होंगे, लेकिन कैसे? दिशा ज्ञान उन्हें तारों से मिलता होगा, लेकिन दिशा निर्धारित वे किस यंत्र से करते होंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि वे समुद्र के किनारे किनारे सफर करते होंगे, बीच की तेज धाराओं से बचकर। कच्छ की खाड़ी से सुमेर तक बहुत लंबा सफर था। पूरे सफर का राशन पानी नाव पर ले जाना संभव नहीं था। रास्ते में मकरान तट पर हड़प्पा वालों की दो छोटी छोटी बस्तियां मिली हैं, सुत्तको और सुत्तकजंदोर। वहां पर वे अपने जरूरत की राशन सामग्री भर लिया करते होंगे। जमीन ढूंढने के लिए नाव पर से परिंदे उड़ाए जाते थे, ऐसा ही एक दृश्य हमें एक महर पर मिला है। सुमेर के दस्तावेजों में एक देश का जिक्र आया है, मलुहा नाम है उसका। सुमेर वालों ने मलुहा के उद्योग धंधों, नाविकों और दस्तकारी की बहुत प्रशंसा की है। इतिहासकारों का अनुमान है कि मलुहा शायद वही क्षेत्र है जिसे आज हम हड़प्पा कहते हैं। कहाँ था मलुहा 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 सुमेर की लिखाई में हुआ बार बार रोशन मलुहा 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 मलुहा। हम चारों ने तय किया था कि अपनी अपनी रिपोर्ट पूरी करने के बाद कच्छ में मिलेंगे और एक साथ धोलावीरा जाएंगे। कुमार क्या थे? मुझे फिर एक बार इस बात का एहसास हुआ आप कहां से आते हैं कि किस तरह हमारी परंपरा हमारे साथ साथ चलती है। आपके कोटड़ा में जो अभी बर्तन मिले हैं ना हड़प्पा वाले बहुत साल पुराने, तो उन बर्तनों में और आपके ये बर्तन जो हैं इनमें कुछ फर्क है क्या? जी वो बर्तन है ना हड़प्पा वाले जी, वो बहुत मजबूत और भारी होते हैं। अच्छा, हमारे बर्तन इतने भारी नहीं होते। अच्छा। लेकिन जो रंग किया है ना, चित्र काम किया है, वो मिलते जुलते हैं हड़प्पा वाले ने ये बर्तन। तो शास्त्रियों का अनुमान है कि धोलावीरा हड़प्पन सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा शहर होगा। हालांकि वहां अभी खुदाई शुरू नहीं हुई है, फिर भी बहुत से अवशेष मिल चुके हैं। 70-71 में अकाल पड़ा था, हम वहां बांध बना रहे थे और उस पे मैं मास्टर का काम कर रहा था, तो खुदाई होने से उसमें से ये मटके या ये चूड़ियां कंगन ऐसी सब बातें निकलने लगी। वो निकलने से एक मेरे को सील मिला छोटा सा, तो सील है क्या है वो तो मालूम नहीं था, इतिहास की किताब से मिला है तो वो हमको कुछ लगा मिलता जुलता, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो हम सोचा कहाँ इसको भेजे अब किसको दें, ये चीज़ तो अच्छी लगती है कोई, तो हम बुझ गए। तो हमारे म्यूजियम में उन उसका क्यूरेटर था, उनको बताया कि ये चीज़ क्या है, उन्होंने बोला ये तो बड़े काम की चीज़ है, और उन्होंने सब पेपरों में और सब जगह प्रसिद्धि की, और उस प्रसिद्धि की वजह से लोग जो पुरातत्व वाले थे वो दोबारा देखने आए, उन्होंने कहा कि ये तो हड़प्पन साइट है और ये तो बहुत बड़ी साइट है। लीजिए
और अविरा का कोटला अपने समय का एक विशाल समृद्ध नगर। धोलावीरा में खुदाई की तैयारियां हो रही थी। हमें वहां ले जाने वाले पुरातत्व शास्त्री काफी व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने हमें थोड़ा समय दिया। टीले की बनावट देखकर और सतह पर मिले कुछ अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि यह शहर 3 हिस्सों में बटा था। यहाँ हर हिस्सा अपनी अपनी दीवारों से घिरा हुआ है। ऊपरी और बीच वाले हिस्से को अलग करते हैं खुले मैदान। इस जगह का परिचय देकर पुरातत्व शास्त्री चले गए और हम अपनी खोज पर चल दिए। हड़प्पा के शहर मिट गए तो जैसे उनका विज्ञान भी मिट गया। सैकड़ों साल तक उसका कुछ पता नहीं। ऐसा क्यों हुआ? शायद उनका ज्यादातर विज्ञान शासन करने वालों के नियंत्रण में ही था। उनका राज्य खत्म हुआ तो उनकी खास चीजें भी मिट गईं, जैसे कि नगर नियोजन, एक अनुपात वाली ईंटें, एक जैसे वजन। और जो चीजें बच पाए वो क्यों बच पाए, जैसे कि तांबे के औजार और शंखों से चूड़ियां बनाने वाला उद्योग। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ वैज्ञानिक पहलू सिर्फ एक केंद्रीय व्यवस्था के सहारे ही पनप सकते हैं? ऐसी ही कारीगरी आज भी पाई जाती है। 4000 साल गुजर गए। वैसे एक तरह से सोचा जाए तो शायद ये कारीगरी आगे नहीं बढ़ पाई। और लगता है आज के दस्तकारों जैसे ही गरीब थे उस जमाने के दस्तकार। वो जो छोटे छोटे घर मिलते हैं इन शहरों के नीचे वाले इलाकों में, शायद उन्हीं के तो थे। कैसी अजीब बात है कि हड़प्पा और धोलावीरा दोनों संयोग से ही सामने आए। हड़प्पा तब जब एक रेल लाइन बिछाई जा रही थी, और 100 साल बाद धोलावीरा जब अकाल में राहत का काम चल रहा था। पर 100 साल में कितना कुछ बदल गया। जब हड़प्पा सामने आया तो कोई नहीं जानता था कि ये क्या है और इसे अपने इतिहास में किस जगह रखे। मगर अब खुदाई शुरू भी नहीं हुई और धोलावीरा से हम कितनी उम्मीद करने लगे हैं। भारत पाकिस्तान की सरहद पर धोलावीरा, सिंध के मैदान और कच्छ के रण के बीच उस समय का व्यापार का बड़ा केंद्र। जाहिर है इसकी खुदाई के दौरान बहुत सी नई चीजें मिलेंगी। शायद कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो हमें बार बार परेशान करते रहे हैं। हो सकता है कुछ नए सवाल भी पैदा हो जाएं। शायद हड़प्पा वालों को हम और अच्छी तरह से जान सकेंगे, पहचान सकेंगे।